लोग क्या कह रहे, आपने देखा लोग क्या कह रहे, वो कह रहे चोरा है चोरा, वो नहीं सुने आपने, गांव में, गांव में कहां जा रहे हैं वो रुड़की में बैठ के यहां प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप गांव में कीड़े हैं क्या सरकार को कुछ, मतलब हम जिले की बात करें तो जिला नहीं बना रहे, युवाओं के रोजगार की बात करें तो युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, और जब यहाँ मुआवजे की बात करें मृतक आश्रित विधवाओं के तो उन्हें मुआवजा नहीं देते। हमसे कहना चाहता हूँ सरकारों को, ये 1100 रुपये का मजाक बंद कर दे, वो किसान बिल्कुल लेने को तैयार नहीं है, वो रोते का आंसू ना पूछे, वो इसका भौतिक सत्यापन करने। गलत नहीं हुआ क्या जब वो सैनी चौकीदार मारे गए थे, तब नहीं गलत हुआ था, तब हम कोतवाली घेराव करके वो प्रधानपति जेल। देखिए लोकतांत्रिक जनमोर्चा 24 सितंबर दिन रविवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान डीएवी इंटर कॉलेज का मैदान, वहाँ से ये महारैली अपने मुद्दों को लेकर वहाँ से शुरू की जा रही है और ये एसडीएम आवास तक जाएगी और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर वहाँ इसका समापन किया जाएगा। देखिए रुड़की जिला बनाओ तो पिछले 17 वर्षों से लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर पर लगातार आंदोलन किए जा रहे, रुड़की बंद भी कराया गया, रैलियां भी हुई हैं और युवाओं के रोजगार के लिए भी, ये दोनों मुद्दे हमारे शुरू से हैं, लेकिन जो बीच बीच में ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, बराबर, ये सामाजिक संगठन है हमारा। आप 17 सालों संघर्ष कर रहे हैं, जी जी, जिला बनाने की मांग भी जी, कर रहे हैं जी, जी, और जो चाचा भतीजे जो एक्सपायर हुए थे उनके लेकर भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसी कोई मांग आपकी नहीं मानी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों को लेकर भी आज आपने बात की है। हाँ, मुझे लगता है किसानों की भी नहीं मांगने के जी, ये है क्या सरकार को कुछ, मतलब हम जिले की बात करें तो जिला नहीं बना रहे, युवाओं के रोजगार की बात करें तो युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, और जब यहाँ मुआवजे की बात करें मृतक आश्रित विधवाओं के तो उन्हें मुआवजा नहीं देता। किसानों पर जो अब पूरे जनपद में जो आपदा आई है उससे सभी त्रस्त हैं भाई, किसान आज बर्बादी कगार पर है, मजदूर की क्या स्थिति है अभी भाई राजकुमार जी ने बता दिया और काला जी ने बता दिया कि सरकार की क्या स्थिति है। मेरा कहना यह है कि सरकार वो हमारे से है, सरकार हम ही लोग तो बना रहे, और यदि सरकार जनता के प्रति वो कहीं इस तरह की समस्याओं के लिए यदि संज्ञान नहीं लेती, गंभीर नहीं रहती, तो उसका रास्ता फिर हमारे पास क्या बचता है? आंदोलन बचता है, तो हम तो आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि ये कम से कम जिले की यदि बात कर रहे हैं तो जिला बनेगा, ये जनहित का मुद्दा, जनभावना का मुद्दा है। तो वो सर ये जो मुआवजा देने की बात कर रही सरकार के, उत्तराखंड के भी अन्य जनपद हैं और हरिद्वार जनपद भी है, यहाँ पे जो आपदा प्रभावित लोग हैं, किसान हो या जिनके घर नुकसान हुए उन्हें हो, उचित मुआवजा दिया जा रहा है, क्या इस मुआवजे से संतुष्ट है लोग? नहीं, संतुष्ट कहाँ है, कोई भी संतुष्ट नहीं। आप देखे सारे विधायक विधानसभा में बोल रहे, यहाँ बोल रहे, किसान सारे संगठन आज आंदोलन कर नहीं रहे, सब कर रहे, यदि संतुष्ट होते तो वही आंदोलन क्यों करते? इसमें इस वाली जो आपकी रैली निकल रही है 24 तारीख को, इसमें क्या जनपद के किसान भी शामिल होने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, किसान आवेंगे, युवा आवेगा, व्यापारी आवेंगे, वकील आवेंगे, तो देखो रुड़की जिले से तो हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन किसान आज जो प्रभावित है और वो आज बेचारा एक तरह से भाई बर्बादी हो गया किसान, तो उसकी फसलें सड़ रही वहाँ। भाजपा सरकार तो सर, क्या कारण है कि आय दुगनी होगी? आय तो दुगनी हो जाएगी, वो तो पता लग जाएगा अभी, जैसे यहाँ 2022 में लगाया ना पता, अब वो 11 से 3 पर आए ना, ये लोकसभा भी चली जाएगी, अभी अजान 2000 लोकसभा का चुनाव है, प्रशासनिक दृष्टि से क्यों नहीं बना रही? नहीं तो ये तो सवाल उनसे किया जाना चाहिए भाई, जब आप संगठन की दृष्टि से बनाओ, पहले हटा दिया था इन्होंने, अब फिर बना दिया, तो आप प्रशासनिक दृष्टि से क्यों नहीं बनाते, इसे बना दो आप, तो भाई डबल इंजन की सरकार है आपकी और ये मानक पूरे कर रहे रुड़की, पहले तो ये हरिद्वार रुड़की तहसील का हिस्सा थी। अगर हाँ सर, सीट ओबीसी होती है क्या सुभाष सैनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव की तो बात ही नहीं आज जी, आज तो रैली की बात हो रही, महारैली, मैं दो चुनाव लड़ चुका। अरे सब ये कहते हैं भाई चुनाव नजदीक आते लोकतंत्र में गंदा उच्च हो जाता, चुनाव जाते नीचे, इस समय क्या कर रहा? अरे 17 साल से क्या कर रहा मैं,
चुनाव तो दो लड़े भाई, चुनाव तो दो लड़े, चुनाव 5-5 साल में आते, 17 साल से लड़ाई, ये 17 साल देखे, आज चुनाव की लड़ाई तो है ही नहीं, ये लड़ाई जो है ये है जन सरोकारों की, ये हरिद्वार के एक तरह से स्वाभिमान की लड़ाई है यार, हम मर रहे हैं यहाँ, किसान मर रहा, मजदूर मर रहा, और आप 1100 रुपए दे रहे हैं, प्रकरण पर भी क्या बोलेंगे, वो भी वहाँ पर बैठे धरने पर, उसको लेकर हाँ हम उनके साथ हैं, वो पीड़ित पक्ष है, वो हम उनके साथ हैं, उसमें क्या वो गलत हुआ, गलत हुआ, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, क्या जब वो सैनिक चौकीदार मारे गए थे तब नहीं गलत हुआ था, तब हम कोतवाली घेराव करके वो प्रधानपति जेल नहीं गया, सभा क्षेत्र में भी स्पीकर ने खंडोड़ी ने खुद कहा था कि सत्ता पे जो है ब्यूरोक्रेसी हावी है, प्रशासनिक जो इकाई है वो हावी है, आप किस नजर से देखते हैं, क्या वास्तविकता है, भाजपा सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही? नहीं, भाजपा सरकार लगाम कहाँ लगा है, अब ये जो अधिकारी है ये ही नहीं घूम रहे, भाई SP देहात, फिर SP हो गया, SSP हो गया, फिर आ गया, ये यहीं क्यों घूम रहे, ठीक है, ये तो सरकार का काम है। आज प्रेस वार्ता में भी देखने को मिला है 24 सितंबर में किस तरीके से दर्द यह दिखाई देगा? 24 सितंबर में किसान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, गांव-गांव से किसान आएगा, और बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी समस्या है, आप जनपद का भ्रमण करेंगे, फसलें मुझे लगता है 70-80% बर्बाद है, गन्ना खत्म हो चुका, धान खत्म हो गया, पशुओं का चारा समाप्त हो गया, और दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि पिछले 2-3 महीने से लगभग पूरे जनपद का, चाहे वो किसान संगठन हो या विधानसभा में विधायकों ने अपनी बात को मुखर रूप से रखा, लेकिन सरकार अभी टस्समसनी हो रही है, सरकार के लोग आते हैं और वो पिकनिक की तरह यहाँ एक भ्रमण करके चले जाएं, और आज तक वो जो अभी बात हो रही थी 1100 रुपये मुआवजे की बात, उसकी आप तह तक जाइए पहले, वो 1100 रुपये सबको नहीं दे रहे, वो 1100 रुपये में भी सरकार, देखिए ये एक मजाक है आज किसानों के साथ में, 1100 रुपये में भी क्या है कि किसी किसान के पास अगर 20 बीघा ज़मीन है तो वो उनका जो सरकार का नुमाइंदा है वहाँ पटवारी, वो ये कह रहा है मेरी नज़र में 2 बीघे गन्ना ख़राब है और उसका भी 20% ख़राब है, वो कहीं 2000 के 3000 रुपये किसानों लेने को मना कर दिया। कुमार जी, ये उमेश कुमार जो विधायक काल में उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया किसानों की समस्या को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, देखिए मैं पहले कह रहा ना, जो विधायक हैं वो भी उठा रहे हैं वहाँ मुद्दा, और जिन्होंने उठाया, मैं जो भी, देखिए किसानों की बात कोई भी उठाएगा हम उसकी सराहना करेंगे, किसान जो संगठन है वो उठाएंगे हम उनकी सराहना करेंगे, किसान गांव-गांव से बैठे उनकी महिलाएं रो रही भाई वहाँ, मैं ये कह रहा हूँ, क्या मानते हैं हमारी 2024 में ये परिणाम देखने को बिल्कुल मिलेगा, जनता में बहुत रोष है, 2024 में सरकारों को इसका परिणाम देखने को मिलते, हमसे कहना चाहता हूँ सरकारों को, ये 1100 रुपये का मजाक बंद कर दे, वो किसान बिल्कुल लेने को तैयार नहीं है, वो रोते का आंसू ना पूछे, वो इसका भौतिक सत्यापन करना, आपदा का किसान आपदा का भौतिक सत्यापन कर ले, ये जनपद आज भुखमरी के कगार पर है, पशुओं को चारा नहीं है वहाँ, और बिजली विभाग के एक्शन किसानों के कनेक्शन काटने पर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 3 महीने का आप बिल होल्ड कर दो, अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4th महीने पैसा कहाँ आएगा, हम आज मांग कर रहे हैं यहाँ, किसान मांग कर रहा है, मजदूर मांग कर रहा है यहाँ, जनपद का प्रत्येक व्यक्ति मांग कर रहा है कि इस साल का, एक साल का, बहुत बड़ी मांग नहीं है ये, एक साल का बिजली का बिल आप माफ़ कर दो हमारा, किसान ने जो कर्जा लिया हुआ है, चाहे कृषि यंत्र पे है, कोऑपरेटिव का उसका वो खाद बीज लेते हैं वो है, या KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वो किसान क्रेडिट माफ़ ना करें, उसका ब्याज माफ़ कर दें। तीसरा, BJP सांसद निशंक जी हैं, ये घूम रहे हैं लोगों के जो है बीच जा रहे हैं, लेकिन जो है लोग क्या कह रहे, आपने देखा लोग क्या कह रहे, वो कह रहे हैं चोर आए, वो नहीं सुने आपने, गांव में कहाँ जा रहे हैं वो रुड़की में बैठ के यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप गांव में पीछे लग रहे, वो वीडियो भी तो मीडिया वायरल कर रहा है उनकी, गांव में आज हम जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उन्हें पता है कौन तुम्हारे दर्द की आवाज़ उठाएगा यहाँ से, मैं ये कह रहा हूँ सोलानी नदी और छोटी नदियाँ आज यहाँ विकराल रूप देखने को मिला है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा हल्का नहीं है, आज हजारों बीघा उपजाऊ भूमि वो समाप्त होगी, प्रभावित होगी, नदियाँ तोड़ ली, ट्यूबवेल चले गए लोगों के, हमने उत्तराखंड मंत्री की मांग की थी, मांग क्या है जी, कितने होने चाहिए, हमारी मांग ये है कि 15,000 रुपये प्रति बीघा किसानों को मुआवजा दिया जाए, एक साल का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, उसके कर्जे का ब्याज माफ़ किया जाए, नदियों के तटबंध वो परमानेंट किए जाए ताकि किसानों की ज़मीन बच जाए, और जिन किसानों की ज़मीन चली गई, जो खतौनी में जिनके नाम दर्ज है, जब तक वो ज़मीन उपजाऊ ना हो वहाँ खनन उठाने की परमिशन किसानों को दी जाए,
ताकि उनकी आजीविका चल सके। शहरों में आके मीटिंग करके दो अधिकारियों को हटकाने का काम कर रहे हैं। गांव में कोई मंत्री गया हो, गांव में किसी के पास, अरे भाई आज पूरा जिला आंदोलन रहा था, आज किसान त्राही त्राही माम है, कहाँ जा रहे हैं सरकार के लोग? जाते मैं कह रहा हूँ, तुम जा रहे हो कर क्या रहे हो भाई? अगर आप जा रहे हो तो कर क्या रहे हो? आपने निर्णय कौन सा लिया है? कौन से वहाँ मुआवजे की बात की आपने? कहाँ हो 50 से? अभी एक साथी कह रहे सरकार कह रही है हमने तो वहाँ उन्हें मुआवजा दे रहे, कोई प्रमाण भी तो हो उसका भाई। आंदोलनकारी संगठन किस तरीके से भूमिका निभाएगा, जो जन सरोकारों के जो मुद्दे किस तरीके से उठाएगा? उन पे जो है आंदोलनकारी संगठन बहुत सक्रिय है, पूर्णी जो है सहभागिता तो उसमें होगी, क्योंकि आंदोलनकारी संगठनों ने जो है हर रुड़की जनपद की मांग उठाई थी और आज भी उस पर कायम है। 24 तारीख को पूरा जो है जनसमूह आपको जो है मैदान में नजर आएगा। ठीक है, ठीक सर।